ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, मनुष्य सदैव प्रगतिशील रहा है और इसे अपनी उन्नति यानी कि अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए इसने अपने अनुभव का तो सहारा लिया ही है, उसके अलावा अपने बड़े बुजुर्ग और जो अनुभवी व्यक्ति हैं जो आजकल हमारे समाज में बड़े नाम से प्रचलित हैं, उनके अनुभवों का भी ये उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक ही विषय पर जब कोई जानकारी जुटाते हैं तो दो तीन चार अलग अलग अनुभवी व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो डाउट, जो शंकाएं, जो भ्रम आपके मन में पैदा हो जाते हैं, इनको कैसे दूर करें, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आशा है आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आप अपने मन के सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। क्योंकि डाउट में यदि आप कोई भी कितना भी अच्छा काम करते हो तो वो उसके दुष्परिणाम देता है, ना कि अच्छे परिणाम देता है। इसीलिए आपके मन में शंकाएं रह जाएं, ऐसी स्थिति में कोई भी काम कभी मत करना, इसीलिए शंकाओं का समाधान अनिवार्य। तो चलिए बताती हूं कि शंकाओं का समाधान आप कैसे करें। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप किसी विषय पर दो तीन चार व्यक्तियों को सुनते हैं और जब सबकी राय आपको अलग अलग दिखती है, क्योंकि मेरे वीडियोस पर कई बार आपने ऐसे प्रश्न किए कि दीदी आपने इस विषय को ऐसे बताया, फलाने व्यक्ति ने ऐसे बताया, हम किसकी माने, हमें ये समझ में नहीं आता है, तो मैं अक्सर एक बात उसमें टाइप करके बता देती हूँ कि आप अपने अनुभव की मानिए। अब अनुभव तो किसी के पास, हर किसी के पास एक जैसा होता नहीं है, तो हम अपने अनुभव की कैसे माने, कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। तो आज उसी बात को मैं आपको अच्छे से विस्तार से खोल के बताने जा रही हूँ। मित्रों, होता क्या है कि जो व्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है, आपके सामने रख रहा है, जिसको आपने सुना है, वो भी कोई आप जैसा मनुष्य ही है, क्योंकि हम भी मनुष्य, हम कोई आसमान से नहीं टपके। तो होता क्या है कि सबकी प्रकृति, सबकी सोच, सबकी स्थिति, सबका भूतकाल अलग अलग होता है, तो उसी अनुसार सबके अनुभव एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही चीज के प्रति अलग अलग होते हैं। जैसे अब किसी व्यक्ति को मीठा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अब यदि मीठे के बारे में जब भी बात करेगा ना तो मीठे के बारे में प्रशंसात्मक ही बात करेगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसको तीखा ज्यादा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा नहीं लगता, तो वो जब आपको बताएगा तो बोलेगा मीठा अच्छा है, ठीक है, खाना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें ज्यादा ये शुगर होने के चांस, मतलब उसको उसमें नकारात्मकता ज्यादा दिखाई देगी और उसकी सकारात्मकता कम दिखाई देगी। वहीं जो मीठा खाने वाला है उसको तीखे में नकारात्मकता ज्यादा दिखाई देगी। अरे कौन मुंह जलाए, बाद में छाती जलाए, फिर सुबह सुबह कांका जलाए, वो ऐसे व्यक्त करेगा। तो ये जिसका अनुभव होता है, मैंने एक बहुत छोटी सी आधार पर आपको ये बात बताई है, उस अनुसार वो व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपनी अपनी जो अनुभव है उसको व्यक्त करता है। अब आप इस बात को कैसे समझें कि जो आपने समझा है या जो आपने जाना है वो सही है, आप इसको कैसे माने। चलिए अब आपको उस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगी, ताकि आप अपने आप में स्पष्ट हो जाएं। और आपको यदि कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको आगे उस पर भी बताएंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, एक बात जान लीजिए, आपने जो अभी तक जीवन जिया है, ठीक है, उसमें आपको कोई ना कोई अनुभव ऐसे अवश्य आए हैं जिसने आपके जीवन को ऊपर उठाया है, आगे बढ़ाया है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि तभी आप यहां तक पहुंचे हो, अन्यथा आप बहुत पिछड़े हो सकते, कुछ और भी हो सकता था। तो आपके जीवन के अपने कुछ अनुभव हैं, अब उन अनुभव के आधार पर आप एक काम करिए कि जिसको भी आप सुन रहे हैं, जो आपको उस अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उचित लगता है, क्योंकि आपका अनुभव पहले मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि आपकी चॉइस आप बेटर जानते हो किसी और से, तो जो आपने जाना है अभी तक उस अनुभव को अपने प्रयोग में लाइए। आप दूसरों की बातें सुनिए, दूसरे के विषय सुनिए, उनकी बातों को अपने दिमाग में बिठाइए, लेकिन साथ में अपने अनुभव का सहारा लीजिए। अब माना कि जैसे आपने किसी के वीडियो देखे, कुछ भी किया, कुछ आप जानकारी लेके कुछ फॉलो करने का प्रयास करो, लेकिन कहीं एक लिंक आपको किसी ना किसी चीज में मिल जाएगा कि ये आपको फायदा करने वाली चीज है, तो आप क्या करिए, उसके साथ में उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करिए। और मन में उस समय कोई डाउट मत रखिए, कोई शंका, कोई भ्रम मत पालिए, क्योंकि जब कोई भी काम आप शंका में करते हो, भ्रम में या डाउट में करते हो, तो कभी भी आपका काम सफल नहीं होता। क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, मीरा को यह विश्वास था कि उसको जो विष दिया गया है उसके लिए वो विष है ही नहीं, वो अमृत है, यानी कि उसके लिए वो विष का काम नहीं करेगा, और मीरा ने विष का प्याला पी लिया और उसको कुछ नहीं हुआ। वही मित्रों, आपने कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, उसको मृत्युदंड दिया जा चुका था, तो उसके ऊपर एक प्रयोग किया गया, उसको कहा गया कि यदि आपको हम सांप से कटवाएंगे, कोबरा सांप से कटवाएंगे, यदि आप बच गए तो
तो आपको जीवन मिल जाएगा, और वरना आपको फांसी की सजा तो हो ही रही है। उसको ठीक है भाई, उसको एग्री हो गया वो कि भाई कहीं बाय द वे बच गया तो अच्छी बात है। अब क्या किया गया, पूरा वातावरण वैसे बनाया गया जैसे सांप आता है, जो चीजें उसको मालूम थी उस टाइप से, क्योंकि किसको क्या मालूम है, सब मीडिया में पता, और सबने सांप की आवाज जो जैसी सुनी है वो सब चीजें उसने वैसे कर दी। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को जैसे सांप काटते हैं, जो उसको माइंड में सबके हैं, वैसे उसको सुइयां चुभा दी गई। अब आपको बता दूं, वो आदमी सुइयां चुभाने से मर गया और उसके शरीर में कोबरा का विष भी मिला, क्योंकि वो विष उसके माइंड में बैठ गया था, उसके माइंड में था, और उसके माइंड का विष उसके पूरे बॉडी में फैल गया, जिसने विष ना होते हुए भी उसको विषक्त बना के उसको मार दिया। कदाचित वो माइंड से बराबर होता, वो ये सोचता कि जो अनुभव आएगा मैं उस पर चलूंगा तो इंसान बच सकता था, लेकिन उसके माइंड ने डिसाइड कर लिया कि कोबरे का विष है मेरे शरीर में, तो बस खत्म हो गया। तो मित्रों, ये जो आपके मन की शंकाएं हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पतन का या विनाश का कारण बनती है। इसलिए जब आप कोई भी काम करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी करिए, आप अपने मन से ये सोच के करिए कि ये जो चीज मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरे लिए हितकारी है, और आपने उसकी हितकारी ही बातें समझिए, इसलिए आप हितकारी मान रहे हैं, और उस अनुसार आप उसका कारण उसको फॉलो करें। अब इसको एक छोटी सी तरीके से समझ लीजिए कि जो आप जानते हैं उसको आप मान लीजिए। अक्सर मैं ये बात कहती हूं कि जो आप जानते हो उसको मान लो। यदि आप उसको मानने की शुरुआत करते हो तो इसमें क्या होगा कि जब आप उसको मान लोगे तो जो आपके भीतर है वो धीरे धीरे आपके अंदर रिएक्शन भी करेगा। अब इस पर एक छोटी सी कहानी और आपको सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास जानकारी भी गलत होती है या जानकारी अनुचित होती है, क्योंकि हमारे बड़े भी कई बार हमें कुछ बातें गलत सिखाते हैं। उसी पर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। एक चोर था, उसके चार बेटे थे, शॉर्ट में सुनाऊंगी। उसके चार बेटे थे और चोर एक आदर्श चोर था, वो अपनी चोरी करने को आदर्श मानता था, वो अपनी चोरी के गुण को एक अच्छा गुण मानता था। तो उसने अपने चारों बेटों को एक चोर के तरीके से तैयार किया था, और उसने अपने बेटों को सिखाया कि बेटा कभी भी जहां सत्संग हो रहा हो वहां मत ठहरना, कभी सत्संग मत सुनना वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि बोले सत्संग हो रहा तो वहां बाय द वे चोरी करने जाना पड़ा तो क्या करें, बोले कन्वेरू ही ठूस लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसमें जो चार भाई थे ना, उसमें जो सबसे छोटा चोर था ना, वो एक दिन कहीं चोरी करने जा रहा था, तो वहां सत्संग चल रहा था, उसने कान में रुई ठूंस रखी थी। अब क्या हुआ कि जब वो कूदने गया दीवार, तो उसके एक कान से रुई निकल के गिर गई, तो उसके कान में एक वाक्य पड़ गया कि देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं टिकते। उसने बस इतना एक वाक्य सुना और उसने वापस रुई अपने कान में डाल ली और आगे काम करने लग गया। अब क्या हुआ, इन्होंने राजा का बड़ा खजाना चुराया था चारों भाइयों ने मिलके, तो राजा को शंका थी पर करें क्या, कोई सबूत नहीं था। अब ऐसी स्थिति में मंत्री और सेनापति ने मिलकर विचार किया कि उसके घर पर जाया जाए और उसको कुछ तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए उन लोगों को, ताकि वो इस बात को स्वीकार कर ले कि चोरी उन्होंने की है। अब हुआ क्या कि वो वहां गए, अब उस समय सौभाग्यवश वो छोटा वाला चोर घर के बाहर था और घर में तीन बड़े भाई थे। अब जब ये तीनों, ये राजा और उसका सेनापति, मंत्री और सेनापति जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं हम यमराज हैं, आपके प्राण लेने आए हैं, आपने राजा का इतना इतना बड़ा खजाना चुराया इसलिए अब आपके प्राण लेने आए हैं। अब वो जब बाहर से जो छोटा चोर था, जो सबसे छोटा भाई था, वो थोड़ी देर बाद आता है और वो कुछ ड्रामा ऐसा देखता है, उसको बाहर लगता है कोई ड्रामा चल रहा है, और उसको एक वाक्य याद आता है कि देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं टिकते, और जो शब्दों से वो सुनता है तो पता चल जाता है कोई देवी देवता है, तो वो समझ जाता है कि इनके पैर जमीन पर टिके इसका मतलब देवी देवता नहीं है। तो वो बाहर से चिल्लाता है, कौन है जो मेरे भाइयों को परेशान कर रहा है, और इस तरह से वो चिल्लाता है तो राजा और सेनापति, क्योंकि अब उनको मंत्री और सेनापति, उनको समझ में आ जाता है कि जब बाहर से एक है तो अंदर वाले भी निकल आएंगे और हमारा कबाड़ा हो जाएगा, तो राजा मंत्री और सेनापति दोनों भाग जाते हैं। और जब वो भाग जाते हैं तो छोटा भाई जरा कंफ्यूज हो जाता है कि आज वो बड़े उसमें फंसने से, पकड़े जाने से बच जाते हैं मात्र सत्संग के एक वाक्य से। सत्संग का जो एक वाक्य था वो इनको इतनी सारी चीजों से बचा जाता है। तो अब वो विचार कर रहा था तो एक भाई ने पूछा क्या हुआ, क्या सोच रहा है इतना ज्यादा, तो बोला कि अरे मैंने सत्संग का एक वाक्य मेरे कान में पड़ गया था और उससे हम आज बच गए। तो बोले सत्संग का एक वाक्य यदि इतना हमारा बचाव कर सकता है तो हम पूरा सत्संग सुनेंगे तो क्या होगा। तो बाकियों ने कहा नहीं, पिताजी ने मना किया था सत्संग कभी मत सुनना, पर बड़े भाई ने एक निर्णय किया कि, और लोग बड़े भाई की बात मानते हैं, कि यदि एक वाक्य इतना लाभ कर सकता तो पूरा सत्संग हमें कितना लाभ दे सकता, हम एक बार सुन के तो देखें। और वो जब सत्संग सुनने जाते तो उनको पता चलता है कि वो जो काम कर रहे हैं एकदम बेकार है,
उनको पता चलता है कि हम इतना बुरा काम कर रहे हैं, वो अपने आप में समझ नहीं पाते कि हम इतने बुरे लोग बन चुके हैं। और अब धीरे धीरे उनके मन में सत्संग सुनते सुनते परिवर्तन आने लग जाता है। मित्रों बात वही है कि जो जानते हो उसको मान लो, हम वही चल रहे हैं, तो जो जानते उसको मान लो। उन्होंने उसको माना और उस मानने में ही जब आगे अनुभव आए, उस आधार पर उन्होंने आगे पता चला उनको कि जो अनुभव उनके पास था। फिर एक दिन उन्होंने किसी गुरुजी के सामने अपनी सारी बात खोल के रख दी, हम इस तरह से चोर हैं, हम ये कर चुके हैं, हम ऐसा कर चुके हैं। तो उस गुरुजी ने उनको एक बात सुझाई, बोले आप अपने आप को राजा के सामने समर्पण कर दो। और उन्होंने बात मान ली क्योंकि जो रास्ता दिखा रहा है फिर उसकी बात मान ली। अब राजा के सामने जब ये समर्पण करने जाते हैं, राजा चारों चोरों को देख के बड़ा खुश हो जाता क्योंकि वो सारा खजाना भी लेके आए थे, और जिनका उनको पता था कि किसका किसका उनको तो लौटा दिया, पर जिनका नहीं पता था उनका सबका राजा के पास लेके आए। बोले हमने राजा महाराज ये सब किया है, अब आप जो दंड देंगे हमें स्वीकार है। अब राजा को भी पता चल गया कि ये लोग जब खजाना लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए हैं, मतलब इनके मन में अब सारे पाप खत्म हो चुके हैं, इनका मन साफ हो गया। अब राजा ने कहा कि हां दंड तो तुम्हें मिलेगा, और दंड स्वरूप उनको उसी खजाने की रखवाली सौंप दी गई जिस खजाने को कभी चुराने की सोचा करते थे। अब आप सोचिए चोरों के हाथ में ही पूरा खजाना सौंप दिया। तो मित्रों क्या होता है कि जो आप जानते हो वो मान लेते हो, तो उसके बाद जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों के आधार पर यदि आप चलते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सही राह मिल जाती है और जीवन के निर्णय, जीवन की दिशा अपने आप सही हो जाती है। पर हां उसके लिए आपको अपने अंतर मन की सही आवाज सुननी होगी। जो आप जानते हो उसको मान लो, या जो आप मानते हो उसको जान लो, दोनों बातें। यदि आप मानते हो जैसे वो लोग चोर मानते थे कि चोरी करना तो सही काम है क्योंकि उनके पिता ने सिखाया था, तो करते थे, मानते थे, और बाद में उन्होंने जानने का भी प्रयास किया तो उनके सामने सारी की सारी बातें खुल गई। तो यदि आप भी भ्रम में हैं, भ्रम मत पालिए, जो जानकारी उसको फॉलो करना शुरू करिए, और उसके आधार पर जब आप अपने जीवन को जिएंगे ना मित्रों, और उसकी कल्पना करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको सही रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। क्योंकि ईश्वर उसी पथ पर आपको आगे बढ़ाता है जिस रास्ते पर आपको चलना होता है, आप चलना चाहते हो, सही में चलना चाहते हो, चल रहे होते हो। और आपने एक बात सुनी होगी, जैसे को तैसे मिल जाते हैं। शराबी कहीं भी जाए शराबियों को ढूंढ लेता है, जुआरी कहीं भी जाए जुआरियों को ढूंढ लेता है, वैसे ही सत्संगी कहीं भी जाए सत्संगियों को ढूंढ लेता है, क्योंकि हम अपने जैसों को ढूंढने में हमेशा निपुण होते हैं। इसीलिए मित्रों यदि आप चाहते हो कि आपको सही दिशा मिले, भ्रम निकल जाए, तो इस निर्देशों को ध्यान से समझ लीजिए और आपको जो जानकारी उसको फॉलो करना शुरू करिए, आपको सही मार्ग अवश्य मिलेगा। पर हाँ आप यदि औरों के ही अनुभव से चलना चाहते हैं देन सॉरी, जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा औरों को दोष देते रहेंगे, हमेशा रोगी बने रहेंगे, हमेशा पिछड़े बने रहेंगे, क्योंकि आप औरों के अनुभव से चल रहे हैं जिसके अपने जीवन के अपने कुछ अनुभव है और वो अपनी सोच मान्यताओं के आधार पर है जो शायद आपके साथ कहीं भी लागू नहीं होते। इसीलिए मित्रों इस संसार में कोई कभी किसी के जैसा नहीं बन सकता, हर कोई मात्र अपने आप में इकलौता होता है। आप देख लीजिए ईश्वर ने इतने सही चेहरे में कितने सारे सांचे बनाए हैं, हर किसी का चेहरा किसी से थोड़ा बहुत मिलता है पर बाकी सब अलग है। वैसे मन मस्तिष्क भी सबके अलग है, इसलिए आप किसी के जैसे नहीं हो सकते। और देख लीजिए जितने भी लोग महान बने हैं, बड़े बने हैं, धनवान प्रज्ञावान जो भी बने, वो सब अपने आप में इकलौते रहे हैं, वो किसी का अनुसरण करके नहीं बने, वो अपने आप में बने, अपने अनुभव से बने। तो आप भी अपने अनुभव से बहुत कुछ बन सकते हैं, तो प्रयास करिए, आगे बढ़िए। हाँ अनुभव से सीखिए, ना कि किसी और की कही बातों से। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा, और जो प्रश्न है वो हमें बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे विचारों से निपटने के लिए फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट हमने दी है, उसको सुनिएगा ताकि आपके बहुत सारे विचारों से आप अपने आप को बचा सकें। और उसके अलावा रोगों पर स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण, ये रोगों को ठीक करने के लिए और रोगों की जानकारी के लिए, रोगों के ये वायरस के प्रभाव और दवा मुक्ति दो प्लेलिस्ट हैं जिनमें रोगों पर विवरण है। तो आप डिस्क्रिप्शन के पर वीडियो देखिए, आगे स्वास्थ्य नियम के बाद प्राणायाम आसन व्यायाम मुद्रा सर्वफल घरेलू उपचार सरल भोजन, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं क्योंकि आपको भोजन बनाने का तरीका सही मिले उसके लिए सरल भोजन है। और जो भोजन बनाने में आप छोटी छोटी गलतियां करते हो जिससे आपका भोजन विष बन जाता है, सारी जानकारी हमने वहां दी है। तो आशा है आप ये वीडियो देख के अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, अपनी जानकारी को और समृद्ध बनाएंगे। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, यदि आपको लगता है कि बात करने से कुछ विशेष अच्छा समाधान मिलेगा तो कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।